नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम मैनेजमेंट की कहानियों में। आज की कहानी से हम जो सीखने वाले हैं वो है लीडर का एक्शन। जी हाँ, आप इस बात को समझते होंगे कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इट्सेल्फ, बिजनेसमैन इट्सेल्फ एक लीडर होता है और लीडर के अंदर अनेकों क्वालिटी होती है। अनेकों क्वालिटी का जो रेसिपीज जो इकट्ठी होकर बनती हैं तो वो एक लीडर को जनरेट करती हैं, लीडर को पैदा करती हैं। और लीडर ही है जो पूरी कंपनी को चला के लेके चलता है। मतलब लीडर की क्वालिटी बिजनेसमैन के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि लीडर के पास जितनी क्वालिटी है उस क्वालिटी के हिसाब से वो अपनी टीम को ऑर्डर करता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि टीम वह नहीं करती जो वह कहता है। लीडर जो एक्शन करता है टीम वह करती है। इस बात को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, आपका वीडियो देखने और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस चैनल पर हमेशा प्रयत्न रहता है कि हम सभी प्रोग्राम जैसे बिजनेस की बात, इस प्रोग्राम के तहत चल रही मैनेजमेंट की कहानियाँ, बड़ा बिजनेस बाय सुरेंद्र प्रसाद मौर्य, दूसरा प्रोग्राम अनुभवदान जिसमें हम लेते हैं समाज सेवक का अनुभवदान, द रियल हीरो, अगला प्रोग्राम जो जल्द आ रहा है बिजनेस मैन का अनुभवदान, जीरो टू हीरो, तीसरा हमारा प्रोग्राम है लाइफ लर्निंग। लाइफ लर्निंग के अंदर हम चलाते हैं प्लेलिस्ट लाइफ लर्निंग बाय सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। अगला एक प्रोग्राम इसी सीरीज में आने वाला है, सुनाओ अपनी कहानी अपनी जुबानी, जो जल्द ही आ रहा है। अगला एक हमारा प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग। इसके अंदर हम सुनते हैं ज़िंदगी जीने के तरीके के किस्से, कहानियाँ। आदि सभी प्रोग्रामों में हम आपको सबसे उम्दा जानकारी दे सकें जो सभी के जीवन में खुशियाँ और तरक्की लाए। इस कार्य में हमें हमेशा आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नई जानकारी हम आप तक लेकर पहुंच सकें और आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हमें एक और भी मदद चाहिए और वो है कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद उस पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, इससे हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ता है और हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा तो हम और भी बेहतरीन, उम्दा, उपयोगी, सीखने योग्य हम कंटेंट लेकर आप तक पहुंचेंगे। हमें भरोसा है कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। आपका सहयोग और साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कम ऑन, लेट्स लर्न एंड इंस्पायर। कहानी का नाम है फिंगर बाउल। कहानी शुरू होती है ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से। महारानी विक्टोरिया के वहां पर आज एक शाही भोज का आयोजन हो रहा है और उस शाही भोज के आयोजन में जो विशिष्ट अतिथि हैं वो है अफ्रीका के कबीले के एक सरदार, जिन्हें आज शाही भोज के लिए बुलाया गया है, और उनके साथ में विशेष अधिकार प्राप्त लोग, करीबन 500 लोग एक साथ में भोजन की टेबल पर पूरा आयोजन किया गया है। 500 लोग बैठे हुए हैं और उसमें ब्रिटिश मैक्सिमम है, ज़्यादातर ब्रिटिश लोग हैं और सब ब्रिटिश के उच्च पद के अधिकारी लोग हैं। भोजन शुरू होता है। भोजन की शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन अंत में, भोजन के अंत में आपको ध्यान में होगा कि हमारे यहाँ पर एक प्रथा है, जब रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं इस तरह शाही भोज होता है तो आपको हाथ धोने के लिए एक बाउल दिया जाता है जिसके अंदर आप अपनी उंगलियों को साफ करते हैं। अंत में, भोजन के अंत में यही फंगल बाउल सब जगह आए। अब चूंकि अफ्रीका के वो कबीले के वो सरदार, उन्होंने इस प्रथा के बारे में, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, वो कभी इस तरह का फिंगर बाउल का यूज नहीं किए थे और किसी ने इस फिंगर बाउल के बारे में उनको बताया नहीं था। तो चूंकि ये जानकारी नहीं होने की वजह से जब फिंगर बाउल उनके सामने आया तो उनको लगा यह भी कोई भोजन का ही एक रेसिपी है, एक आइटम है। उन्होंने उठाया उसको और पी गए। सरदार ने जैसे ही उस कटोरे को मुंह में लगाया और पी गए, वहाँ उपस्थित सभी लोग, जितने भी लोग थे, रानी विक्टोरिया के साथ साथ में दूसरे 500 लोग भी अचंभित हो गए।
अचंभित भी हो गए और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कानाफूसी होने लगी। लेकिन यह सब नोट किया रानी विक्टोरिया ने। उन्होंने देखा कि उनके मेहमान से यह गलती हुई। अब इस वक्त महारानी विक्टोरिया ने भी वो कटोरा उठाया और अपने मुंह से लगाया और पी गई। अब ताज्जुब ये कि जब उन्होंने वो कटोरा उठाया तो वहाँ उपस्थित जितने 500 लोग थे, विशेष अधिकार प्राप्त लोग, खास ऑफिसर्स, सीनियर पर्सन्स, सभी ने कटोरे उठाए और सभी ने वो कटोरा पिया। हुआ क्या? रानी विक्टोरिया ने अपने इस एक्शन से अपने मेहमान को बेइज्जत शर्मिंदा होने से बचा लिया। और जब उन्होंने अपने मेहमान को बचाया है, वह मेहमान जिस दिन जानेगा कि प्रथा क्या होती है, सिंगर बाउल का यूज क्या होता है, उस दिन वह हमेशा के लिए रानी विक्टोरिया का श्रणी हो जाएगा। उनको इस बात का पता चलेगा कि रानी विक्टोरिया ने उनको किस शर्मिंदगी से बचाया। और वह 500 विशेष लोग जो वहां बैठे हुए थे भोजन में, उन सब की नजर में रानी विक्टोरिया एक टॉप लीडर के रूप में आ गई, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में आ गई। उनके सब के दिमाग में उन रानी विक्टोरिया के प्रति सम्मान बढ़ गया। ये होता है एक लीडर का एक्शन। रानी विक्टोरिया के एक एक्शन ने कितने सारे काम कर दिए। यही चीज आपके बिजनेस के अंदर आपको इंप्लीमेंट करनी है। आप बिजनेस के लीडर हैं, आपके एक एक्शन से आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है और आपका व्यक्तित्व आपकी एक्शन से झलकेगा। आप किस व्यक्तित्व के माध्यमी हैं, आप अपने बिजनेस के लीडर्स को क्या समझते हैं, आप अपनी टीम को क्या समझते हैं, उनको किस तरह चलाना चाहते हैं, सब कुछ झलकता है आपके एक्शन के अंदर। मतलब आपको अपने एक्शन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके एक्शन ही आपके लीडरशिप, आपके व्यक्तित्व को डिसाइड करती है, आपके कंपनी के भविष्य को डिसाइड करती है। तो आज की कहानी से हमने सीखा लीडर के एक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सही एक्शन सही दिशा में सही समय पर होना जरूरी है। सही एक्शन लीजिए, अपनी एक बेहतरीन कहानी बनाइए। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो। प्यारे दोस्तों, आपका वीडियो देखने और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस चैनल पर हमेशा प्रयत्न रहता है कि हम सभी प्रोग्राम, जैसे बिजनेस की बात, इस प्रोग्राम के तहत चल रही मैनेजमेंट की कहानियाँ, बड़ा बिजनेस बाय सुरेंद्र प्रसाद मौर्य, दूसरा प्रोग्राम अनुभवदान, जिसमें हम लेते हैं समाज सेवक का अनुभवदान, द रियल हीरो, अगला प्रोग्राम जो जल्द आ रहा है बिजनेस मैन का अनुभवदान, जीरो टू हीरो, तीसरा हमारा प्रोग्राम है लाइफ लर्निंग। लाइफ लर्निंग के अंदर हम चलाते हैं प्लेलिस्ट लाइफ लर्निंग बाय सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। अगला एक प्रोग्राम इसी सीरीज में आने वाला है, सुनाओ अपनी कहानी अपनी जुबानी, जो जल्द ही आ रहा है। अगला एक हमारा प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग, इसके अंदर हम सुनते हैं ज़िंदगी जीने के तरीके के किस्से कहानियाँ। आदि सभी प्रोग्रामों में हम आपको सबसे उम्दा जानकारी दे सकें जो सभी के जीवन में खुशियाँ और तरक्की लाए। इस कार्य में हमें हमेशा आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि नई जानकारी हम आप तक लेकर पहुंच सकें और आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हमें एक और भी मदद चाहिए और वो है कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद उस पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, इससे हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ता है और हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा तो हम और भी बेहतरीन, उम्दा, उपयोगी, सीखने योग्य हम कंटेंट लेकर आप तक पहुंचेंगे। हमें भरोसा है कि आप जरूर हमारा साथ देंगे। आपका सहयोग और साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कम ऑन, लेट्स लर्न एंड इंस्पायर।